World Test Championship India versus New Zealand Virat versus Kane Williamson। तो गाइस हम सभी को आज यहां पे World Test Championship का फाइनल देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए गाइस यहां पे दो सालों से लड़ाई चल रही है और उसका आज फाइनल मुकाबला हम सभी को देखने को मिलने वाली है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथहैम्पटन की वेदर के बारे में, इंडियन टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप लोग प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते सबसे पहले वेदर के बारे में। तो गाइस यहां पे कल साउथहैम्पटन में काफी ज्यादा बारिश हुई एंड ऐसी बारिश हुई कल देख के लग ही नहीं रहा था कि यहां पे कोई क्रिकेट होने वाली भी है। और कल जो मौसम था बिल्कुल इस टाइप का था एंड पूरा काले काले बादल थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मैच होगा नहीं। लेकिन गाइस अगर हम लोग बात करें आज की सुबह की, तो गाइस यहाँ पे आज सुबह हम सभी को थोड़ा पे क्लाउड देखने को मिला और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा धूप भी देखने को मिली, तो उससे थोड़ा उम्मीद बढ़ी कि यहाँ पे पूरी तरीके से हो सकता है। लेकिन गाइस अभी एक नई वीडियो निकल कर आ रही है साउथहैम्पटन से, जहाँ पे गाइस यहाँ पे अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, 3 बजे से मैच स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो ही चुका है, आधा घंटा बाकी है और गाइस अभी आधा घंटा पहले ये नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और क्या यहाँ पे इस मैच को लेकर डिले होगा या नहीं होगा, टाइमिंग के रिगार्डिंग अभी कोई यहाँ पे न्यूज सामने निकल कर नहीं आई है। और अगर टाइमिंग चेंज होती है तो गाइस यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा गाइस यहाँ पे टाइमिंग चेंज होगा, जैसी बारिश रुक जाएगी तो गाइस हम सभी को मैचेस देखने मिल जाएंगे। तो गाइस अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो गाइस यहाँ पे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेके काफी बड़े एक्सपर्ट ने गाइस यहाँ पे अपना अपना ओपिनियन दिया है। तो गाइस यहाँ पे आज हम बात करने वाले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो हमें नंबर 1 पे नजर आने वाले रोहित शर्मा, नंबर 2 पे नजर आने वाले सुमन गिल। रोहित शर्मा और सुमन गिल मिलके इंडियन टीम के लिए ओपनिंग करने वाले हैं। नंबर 3 पे नजर आने वाले चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पे नजर आने वाले कप्तान कोहली, नंबर 5 पे नजर आने वाले अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पे नजर आने वाले ऋषभ पंत, नंबर 7 पे नजर आने वाले रविंद्र जडेजा। तो गाइस अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 पे नजर आने वाले हैं रविचंद्र अश्विन या फिर मोहम्मद सिराज, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आप सभी को नजर आएगा एंड सभी का कहना है कि यहाँ पे रविचंद्र अश्विन को ही मौका देना चाहिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 पे नजर आने वाले हैं ईशान शर्मा, नंबर 10 पे नजर आने वाले हैं मोहम्मद शमी, नंबर 11 पे नजर आने वाले जसप्रीत बुमराह। तो गाइस आप सभी को इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में ये 11 खिलाड़ी नजर आने वाले हैं और इन 11 खिलाड़ी के साथ गाइस यहां पे टीम इंडिया उतरने वाली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप लोग मोहम्मद सिराज को देखना चाहते हो या फिर रविचंद्र अश्विन को, तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।